नंबर 13, द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट, तो क्या बोला है कि हमें वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस का रिलेशन बताना है, ठीक है, किसके वॉल्यूम से, एटम के वॉल्यूम से। तो हमें पता है जो वॉल्यूम होता है न्यूक्लियस का वो 10^-5 टाइम्स होता है वॉल्यूम ऑफ एटम, ठीक है। सो या फिर हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एटम इज 10^5 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। सो हमसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट, सो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 10^-5 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ एटम।